शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हे गणपति महाराज, देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो ही कार्यम सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि तत्त्वतः। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामीं सहितं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले, वेणुं करे कंकणम। श्याम सुंदर भगवान सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते, श्री गोपाल चूड़ामणि। हे वृंदावन बिहारी, श्री रामचंद्र पुंगव राज्य वीर्या, हे राजा राम, राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश, राजाधिराज रघुनंदन श्री रामचंद्र, दासो अहम मध्य शरणागतो। हे भगवान श्री राम, नमः कुंज विहारणे, नमः कुंज विहारणे, स्वामी श्री कृष्ण राधाय गुरुणां गुरुवे नमः। राधे श्याम। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। हे परमात्मा, सभी को सुखी करो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
कशि दुख भावे। नमः सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतुवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रत्येन। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। 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 जय जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। जय हो। जय जय शिव शंभो। सदगुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा का आज ये अंतिम सत्र 30वां दिन है। ये 30 दिन न जाने कहां निकल गए, किसी धारा में निकल गए। हमारे सत्संग श्री राम कथाएं, श्री कृष्ण कथाएं, भागवत पुराण आदि होती रहती है। आपको सभी का आगामी उन सारी कार्यक्रमों का निमंत्रण रहेगा। प्यारे भक्तों, ये सारा मनुष्य का जीवन में मन बहुत चंचल है, भयग्रस्त हैं हम। और भयग्रस्त इसलिए भी है कि हम हमारे जीवन में कोई उधारी नहीं चुकाते। उधार बना रहता है हमारे जीवन में। यदि हम इस संसार के किसी व्यक्ति से उधार ले लें तो हम उसके सामने तो जा ही नहीं सकते। यदि कोई खड़ा है उधार जिससे हमने लिया है तो मुख मोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या करेगा। एक तो वो दूसरी बार उधार नहीं देगा, दूसरी बार वो दूसरों को भी कहेगा कि इसका लेन देन अच्छा नहीं है, इसको उधार मत दो। पर भक्तों, इस संसार में मनुष्य कीड़े मकोड़ों की तरह, मछलियों की तरह आप महानगरों में चले जाओ, अपना वजूद भी तलाश नहीं पाओगे। किसी भी जगह चौराहे पर खड़े होकर हो जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमसे भी बहुत अधिक सुंदर लोग, हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग, हमारे से ज्यादा पद से प्रतिष्ठित लोग नजर आएंगे उस चौराहे पर। और उस चौराहे पर हमको हमारा वजूद का एहसास होता है, परंतु जैसे जैसे हम हमारे घर की तरफ बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे हमें अभिमान आता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। और अभिमान की पराकाष्ठा हमारे घर के भीतर, हमको पराकाष्ठा पर हमारा अभिमान होता है कि ये मेरा है। और हम टीवी पर बैठते हैं, मोबाइल से खेलते रहते हैं, हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। और चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे क्यों ना लगा दो, प्यारे भक्तों, कुछ मीठी चीज नजर आ जाए तो चींटियां लाइन बनाकर आ जाती है वहां पर। घरों में चिड़ियां भी आती हैं, सांप भी आते हैं। ये कीट पतंगों की हजारों तरह के कीट पतंगे होते हैं, पशु पक्षी भी हजारों तरह के होते हैं, चौपाए जानवर भी हजारों तरह के होते हैं, परंतु एक मनुष्य ऐसा है कि जिसकी हजार प्रजाति नहीं है, एक ही प्रजाति है। परंतु इस मनुष्य जाति की के स्वभाव हजारों हैं।
उस मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि चींटियां भी सामाजिक प्राणी है। चींटियों को मकड़ों को कभी आपने लड़ते झगड़ते नहीं देखा होगा, सामाजिक प्राणी, उनकी भी राजा रानी होती है, वह भंडारण करती है अपने पूरे समय के लिए। मधुमक्खियां भी रानी के अधीन होकर भंडारण करती है। ऐसे सामाजिक प्राणी चींटियां, उन चींटियों के पैरों में बंधे हुए यदि छोटे से घुंघरू हो, वो छोटे से घुंघरू हमको तो सुनाई नहीं देते, हमको क्या सुनाई देगा। यदि कोई हाथी महाराज जा रहे हो उनके गले में घंटा, वो घंटा सुनाई दे देगा हमको। पर तो भगवान क्या है, भगवान उस छोटी सी चींटी की घुंघरू भी सुन लेते हैं और हाथी का घंटा भी। कितनी सामर्थ्यवान उनके कान हैं। प्यारे भक्तों, भगवान के कान सामर्थ्यवान नहीं है, वो इसलिए सुन लेते हैं कि वो चींटी के भीतर भी विराजमान है और हाथी के भीतर भी। और यही सारे धर्मशास्त्र कहते फिर रहे हैं कि हमें सब में, ये जितने भी कीट पतंगों की योनियां है ना प्यारे भक्तों, पशु पक्षी कीट, ये सब फल को भोगने की योनियां हैं। चाहे कितने भी ताले लगा दो हमारे आसपास, जीवन में सारी कुत्ते बिल्ली सब भोग रहे हैं अपने भोगों को। और मनुष्य ऐसा है कि जिसको कर्म का अधिकार है और भुगतने भी आता है, परंतु वो काम कर सकता है। इसीलिए तो यहां कर्मण्य वाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचित, हमारा कर्म पर अधिकार है। और फल देने का जो रजिस्टर है जिसमें खाते चढ़ाए जाते हैं हमारे पाप पुण्य को, वो तो भगवान ने अपने पास रखा हुआ है कि कब किसको फल बांटना है, कैसे बांटना है, किस तरह का बांटना है, भगवान के पास रजिस्टर। इसीलिए पुष्टि मार्गी हमारे भगवान ठाकुर जी के संप्रदाय में कहा कि अपना कर्म करते रहो, क्योंकि तुम व्रथा मांगोगे तो यदि भगवान को देने की इच्छा नहीं होगी तो व्रथा तुम्हें दुख होगा, तुम्हारी भक्ति में बाधा आ जाएगी। और इसीलिए पुष्टि मार्ग में दैनिक जीवन में भगवान श्री बाल कृष्ण लालन से लगाकर द्वारका दिश की अपने जीवन के दैनिक जीवन के साथ अपनी सेवाएं करते हुए, ताकि ध्यान खंडित ना हो, ताकि भगवान की जो कृपा है, अनुग्रह है, उसका पोषण होता रहे, उसकी निरंतरता बढ़ती रहे। प्यारे भक्तों, भगवान के पास ये रजिस्टर है ना, उसमें सब लिखा हुआ। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे पैसों से मेहनत कर लो, चाहे आपके पास जन्मजात हुनर हो, मनुष्य तरक्की करता जाएगा करता जाएगा, पार्षद से विधायक बनेगा, विधायक से सांसद बनेगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, कलाकार होगा, टीवी कलाकार बनेगा, सीने जगत का स्टार बन जाएगा। इस धरती में यह नियम है, भगवान की धरती है ये, कि किसी को भी चोटी के ऊपर खड़े रहने, ज्यादा देर खड़े रहने की इजाजत नहीं है। चोटी है, चढ़ेगा चोटी पर किसी को ज्यादा देर, क्यों कि पीछे उसके ही समान, उसी के क्षेत्र के बहुत सारे लोग उसको धक्का दे रहे होंगे कि बहुत बैठ गया चोटी पर, अब हमको आने दे, और धीरे धीरे वो नीचे उतर जाए। इसे न जाने कितने ही ओमाबा, कितने ही महाराजा, कितने ही सीने स्टार नीचे उतर गए, क्योंकि सब करके भी यदि जब हम ये सोचते हैं ना, हमारी सत्ता है, हमारी सत्ता है, हमारी सत्ता नहीं होती, भगवान की सत्ता होती। वो भगवान जो ब्रह्मांड में 5 कोस काशी बनाकर अपने त्रिशूल पर नीचे लाकर धरती पर रख देते हैं, जो प्रलय पर भी समाप्त नहीं होती, उस भगवान की उधारी चढ़ी हुई है, हम उधार नहीं चुका रहे, भगवान का उनका एहसान नहीं चुका रहे कि उन्होंने कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया हमको, मनुष्य को बुद्धि दी, अंगूठा दिया और जन्म दिया और मृत्यु लगा दी साथ में, कि ये जन्म के साथ मृत्यु, ये खंबा बांध के तेरी बहन खड़ी हुई है, तो बर्थडे मनाता जा और उस तक दौड़ता चला जा, खुशी मनाता दौड़ता चला जा, और जैसे ही मृत्यु के टच होगा, रघुपति राघव राजा राम हो जाएगा तेरा। परंतु प्यारे भक्तों, जब मनुष्य ऊपर जाता है तो चींटी को कोई जवाब नहीं देना, हाथी को भी कोई जवाब नहीं देना, मनुष्य को जवाब देना है कि इतने समय तक तूने क्या किया है, तेरे खाते चढ़े हुए हैं, बता बताओ इस खाते में क्या लिखूं, आगे तुझे कहां पर जन्म दूं,
तुम किस योग्य बन पड़ते हो जो तुम्हारे खाते में ये लिखो। प्यारे भक्तों, ये जो ऋण है ना, वो पितृ ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है। पितृ ऋण ब्रह्मा जी का होता है कि कहते हैं कि सृष्टि की रचना की है तू संतानों की उत्पत्ति कर, ताकि संतानों की उत्पत्ति में जो भी जीव पाप पुण्य का फल भोगने के लिए आने वाले हैं, ताकि मैं वेटिंग में है जो मैं तुमको तुम्हारे घर में बिठा दूं संतान के रूप में। भगवान विष्णु पालनहर्ता है, पालनकार भगवान विष्णु का यह ऋण है कि पालनकार भगवान इस संसार को चलाने के लिए सब जगह तो चतुर्भुज धारण करके सबकी हेल्प तो कर नहीं सकते, वो हम में से ही एक दूसरे की हेल्प करवा कर वे संसार का पालन करते हैं। कहते हैं कि मैं लिखता रहूंगा, तेने इसकी मदद करी, तेने इसका पालन किया, तेने ये किया, चाहे जनपति बनकर किया, चाहे डॉक्टर बनकर के किया, चाहे प्रेमवश किसी को बोलकर हंसाया भी हो, मैं चुका दूंगा, भगवान पालन कर रहे। भगवान कहता है कि मैं ये सब मेरे काम है, अब तू मेरे वॉलंटियर है और प्रतीक्षा करना मैं तुझे क्रिया की प्रतिक्रिया दूं, हम जो करते हैं उसकी क्रिया। और तीसरा महादेव जी का ऋण है ज्ञान बांटना। जो हमने सत्संग से सारी बातें सुनी हो ना, ये जो ऋण है ना महादेव जी का, कि जो हमको पता चला हो कि सत्ता भगवान की है, इसलिए ज्यादा चालाकी नहीं करके ज्ञान का अर्जन करें और हमारे ऐसे संस्कारवान संसार को बनाए जिसमें ज्ञान और भक्ति वैराग्य स्वयं में हो, वो हमारा ऋण है कि हम स्वयं ऐसे बने। भगवान कभी भी हमको दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो हम तुम के बच्चे हैं। कभी भगवान हमको गुमसुम थोड़ी देखना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को कभी गुमसुम देखना चाहेंगे क्या? नहीं, भगवान तो चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें, हम आनंदित हो, में हम अपने जीवन में संस्कारवान बने, बस पाप पुण्य का थोड़ा ध्यान रखें, किसी को अनावश्यक दुख न दें, संसार में पैदा करने वाले माता पिताओं की सेवा करें, हमारे पास कुछ ज्ञान हो, हमारे पास वैराग्य हो, और सबसे बड़ी प्रेम संपत्ति हो हमारे पास, तो प्रेम को बांटो। ये शिवजी का ऋषि ऋण उतारने का तरीका है, परंतु न हम ये नहीं करते, न हम प्रेम बांटते हैं, न हम धन बांटते हैं सकारात्मक कार्यों में, न अच्छे अच्छे कार्यों में हम ज्ञान बांटते हैं। हम किसी को बेवजह मुस्कुरा कर भी उसको खुश नहीं करते, उल्टे आसपास के लोग जो हमारे घर परिवार में से आसपास होते हैं, हमको मानसिक कष्ट देते हैं, आर्थिक कष्ट देते हैं, सब कष्ट हम देते हैं। और भगवान ने हमको सब कुछ फ्री दिया है, हवा फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, अब मान लो भगवान हवा और फ्री बंद कर दे तो। प्यारे भक्तों, भगवान को पाप जब बढ़ जाए तब बार बार अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, यदा यदा अधर्म से, और कुछ ज्यादा नहीं, इस धरती के भीतर जब चट्टाने भी टकरा देना भगवान, तो ऊपर अर्थक्वेक भूकंप आ जाता है कि पूरे शहर के शहर नीचे चले जाते हैं। और चाहे एटीएम, जन जेवर, भूमि के कागजात लोग छोड़कर बिल्डिंग के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, मैंने देखा है ऐसा, सब कुछ छोड़कर। ऐसी न जाने कितनी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता है, 200-200 फीट के नीचे धरती में दफन हो गए। भगवान को कुछ बार बार अवतार लेने की थोड़ी आवश्यकता है। और क्योंकि हम दुखी हैं कि क्योंकि उधारी चढ़ी हुई है, हम केवल संतान पितृ ऋण चुका देते हैं। ब्रह्मा जी का संतान तो पालन कर दी, परंतु देव ऋण जो है सभी के साथ हम मिलते जुलते रहे, दान करते रहे लोगों को, समय का, धन का, जो हमारे पास ज्यादा हो वो देव ऋण तो कुछ चुकाते नहीं। भगवान भोलेनाथ का भी नहीं चुकाते, हम सरल नहीं बनते। चाहे पैसा बहुत हो, व्यर्थ बह जाए, वस्तु हो सड़ जाए, परंतु किसी को नहीं देते, वह भी सेंट्रलाइज्ड हो गया है संतानों के प्रति। तो दो ऋण, तीन ऋणों में दो ऋण, दो धरी तो बढ़ गई, तो हम तो मुख तो छुपाएंगे ही ना अंतिम समय में। सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा है तू बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तेरा छोटा बड़े अरमान है तेरे। अरे मिट्टी का है तू सोने के सामान है तेरे, अरे मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। अरे मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, वो न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ऋषि महापुराण का ये अंतिम सत्र, आपकी सभी जिज्ञासाओं को मैंने हमेशा शांत किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस 30 दिवस में मुझे बहुत सारे कॉल आए, व्हाट्सएप पे मैं बहुत जुड़ा रहा सबसे, आपने प्रेमवश मुझे बहुत सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज टीवी स्क्रीन पर मेरे फोन नंबर व्हाट्सएप के फोन नंबर हैं, इसी व्हाट्सएप के फोन नंबर पर आप सभी ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए। आपने अनुभव किया होगा कि मैंने मेरे जितने ज्ञान के अनुसार सबकी जिज्ञासाओं को शांत किया है। कभी की आपके जीवन में धर्म सत्संग से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, आपके स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर अवश्य मुझे सेवा का मौका दें, मैं आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा। प्यारे भक्तों, ये कथा में शिव माया आज के प्रसंग में विशेषतः बताई गई है कि शिव माया भगवान की किस तरीके से हमको इस तरीके से बांध देती है कि सत्संग ही हमें उसमें से निकाल सकता है। ये शिव माया सारे जगत को मोहित किए हुए है। प्यारे भक्तों, जब तक भगवान की तरह भोलेनाथ की तरह ज्ञान का उदय नहीं हो, ज्ञान की गंगा नहीं हो, तब तक इस माया का पर्दा खुलेगा नहीं। और ये भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण राम तो एक ही है, जैसा कि मैंने बताया था, जो गीता में जो ज्ञान का उदय है, जो हितोपदेश है, जो महावाक्य है, उसको भी पूरी की पूरी हम ध्यान देकर अपना जीवन जी सकते हैं। महाभारत में गीता ज्ञान दिया भगवान ने, अर्जुन सुन रहे हैं, विराट स्वरूप बता रहे हैं, वो संजय वहां पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, संजय से हमारे पास ये ज्ञान आया। तीन साक्षी नहीं प्यारे भक्तों, तीन साक्षी नहीं थे उस समय, चार लोग थे। भगवान भोलेनाथ के रूप में हनुमान जी बनकर उस रथ के ऊपर बैठे हुए थे, वो विश्वनाथ, काशी वाले विश्वनाथ रथ के ऊपर बैठे हुए थे, तो पूरी वाले जगन्नाथ ज्ञान दे रहे थे। विश्वनाथ और जगन्नाथ तो एक ही है। यहां पर शिव पुराण में विष्णु भगवान ने कमल के समय चतुष्कोटि रुद्र संहिता के 35वें अध्याय में जो विष्णु भगवान ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया, तो इधर शिव जी भगवान ने भी हमेशा हर पुराणों में विष्णु सहस्त्र नाम गाई है, अर्थात उन्होंने एक दूसरे के लिए बनाई है। महाभारत के उस अनुशासन पर्व में दोनों की ही बहुत सुंदर व्याख्या है, दोनों तो एक ही है ना। तो इनकी जो माया है वह शिव माया हो, चाहे विष्णु माया हो, चाहे राम माया, माया तो एक ही है। और वो माया कौन? महामाया अंबा माता, जगत माया त्रिपुरा सुंदरी, वह माया है। और इस पूरे सत्संग का श्रीमद् भागवत, श्रीमद् विष्णु पुराण, श्रीमद् शिव महापुराण का सार ये एक ही है, जो अपने बच्चों को हमेशा सिखाइए, सरल भाषा में है, सदा भवानी दाहिने।
भवानी हमारे सम्मुख रहनी चाहिए, पास में, हमसे कुकर्म नहीं। सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को कि हमको ऐसे ज्ञान देकर हमको तुम्हारे ऋण उतारने का अवसर मिलता रहा, क्योंकि तो भाग्य से ऐसे बहुत सारे जन्म के बाद भाग्य में गीता जी में कहा ना, दुर्गुण हो परंतु कहीं भक्ति करियो तो मैं ऐसे जन्म देता हूं, ऐसा अवसर देता हूं कि सत्संग सुनने को मिले। भाग्योदय नव जन्म समर्चितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदावे। बहुत जन्मों के बाद ऐसे सत्संग का मिलता है, और धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को कि हम सनातन धर्म का एक अंश है। हम उनको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत वर्ष में उत्पन्न हुए हैं, जो अति प्राचीन सनातन धर्म से बसा हुआ है, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हमारा सनातन धर्म करोड़ों वर्ष से जो सनातन धर्म है, भगवान गीता जी में कहते हैं स्वधर्म को अपनाओ। वो स्वधर्म क्यों कहा? क्योंकि करोड़ों वर्ष से जो सनातन धर्म चल रहा है उसके अलावा कोई धर्म था ही नहीं, और वो धर्म मानव धर्म ही था, जिसकी एक एक गुणों से परोपकार से एक धर्म उत्पन्न हो गया। दया धर्म का मूल है, एक धर्म उत्पन्न हो गया, एक ईश्वरवाद एक धर्म उत्पन्न हो गया, अहिंसा परमो धर्म हो एक धर्म उत्पन्न हो गया। सभी इसकी शाखाएं, और सभी शाखाएं कितने भी धर्म हो संसार में, सभी शाखाएं एक ही परमात्मा की सेवा करती है, मानव धर्म है सब। और इसीलिए मनुष्य जहां भी रहे, जिस धर्म से ईश्वर की उपासना करे, भगवान उसका साथ देते हैं। भगवान ने कहा गीता जी में कि यदि किसी भी धर्म में तो मेरी सेवा करेगा, पूजा करेगा, मैं उसमें मन को स्थिर करूंगा। गीता जी में कहा भगवान, यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धा अर्चितु उच्छति। तो जिस भी रूप में स्वरूप में मुझे श्रद्धा पूर्वक रह जाएगा, तस्य तस्या अचलाम श्रद्धा तामे विद्याम, उसमें मैं तेरे की स्थिर करूंगा, क्योंकि वह मेरे तक पहुंच जाएगी। और यहां तो मेवाड़ की जहां तक बात है, तो यहां तो एकलिंगनाथ विराजते हैं। यह भी धन्य का सौभाग्य कि यहां एकलिंगनाथ विराजते हैं, जो हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। ऐसे एकलिंगनाथ स्वयंभू यहां के महाराणा आज भी उस एकलिंगनाथ के प्रांगण में आते ही अपने जो राज चिन्ह होते हैं वो अपने कंधे पर ले लेते हैं कि हम राजा नहीं, हम दीवान हैं। और उसमें दीवान कहने पर भी, जिस एकलिंगनाथ को दीवान कहने में भी गर्व महसूस करते हैं, प्रजातंत्र से पहले राजतंत्र के सारे पट्टों पर, सारे आदेशों पर एकलिंगनाथ राजा के रूप में अंकित है। जब वह मेवाड़ की धरती है कि जहां पर त्रिपुरा सुंदरी मां अंबे माता की आराधना होती है, जहां पर मीराबाई मां भगवती की आराधना करके भगवान श्याम सुंदर को मीराबाई ने पा लिया, यह वो धरती है कि जहां पर वृंदावन में गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए श्रीनाथ जी बाबा, इस धरती पर बुलावा आ सकते हैं। ये कैसी पावन धरती है, क्योंकि यहां त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है, और यहां कण कण में भक्ति बसी हुई थी। यहां ऐसे संत थे, ये चतर सिंह जी बाबूजी जैसे संत थे, यहां पर ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने लिटरेचर में, प्यारे भक्तों, ऐसी मीराबाई कभी पढ़ी लिखी नहीं थी। सूरदास जी कौन से पढ़े हुए लिखे थे कि जिनके मन में परमात्मा प्रकट होते थे, उनकी एक एक लाइनों पर पीएचडी होती है। परमात्मा नजर आ जाए तो उनकी एक एक लाइन पर पीएचडी। तो चतर सिंह जी बाजी का केवल एक दोहा सुनाता हूं जिसमें सारे पुराण लिख दिए, क्योंकि यहां मेवाड़ के राजवासी जाने, जो तू गेले चालसी सूधो कर सी काम। स्पष्ट बात,
आठ प्रहर थारे मके उबा रहसी राम। कितनी सुंदर भाषा में उन्होंने ये सारे पुराणों की बातें लिख दी प्यारे बंधु। जो तू अपना सीधा सीधा काम करता चला जाएगा तो भगवान तो तेरे साथ ही है। ऐसे बोलो श्री एकलिंग नाथ की जय। इस तरीके से भगवान को ध्यान देना चाहिए कि हमारा अहोभाग्य है कि हमारे मन में ज्ञान का दीपक जला, हमको सरल बनने का दीपक जला, हमको अभिमान न करने का दीपक जला, सबसे प्रेम करें ऐसा दीपक जला, चाहे किसी के भी माध्यम से जला हो भगवान का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हम तो बहुत कुटिल थे, आपने हमको कांच को हमको मेले थे, हम तो कांच हमको ऐसा क्या सौभाग्य दे दिया कि हम हीरे बन गए। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। इस धन्यवाद स्वरूप से ही हजारों करोड़ों राजा महाराजा ने अपने राजपाट छोड़कर भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सबकी आराधना करी। और ऐसे ही इसी भक्ति भाव ने हजारों राजा महाराजों ने अपने राजपाट छोड़कर परमात्मा भगवान श्री राम की, भगवान श्री शिव की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी और परमात्मा को पाया। प्यारे भक्तों, 30 दिन की कथा का आज अंतिम दिवस है। परमात्मा सब पर कृपा करें। जय शिव ओंकारा हरि, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानंद पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे, शिव जी के एक मुख, ब्रह्मा जी के चार मुख और पांच मुख वाले भगवान, और सभी के हंस गरुड़ वृषभान। इस पूरी आरती में श्रीमद् श्री महापुराण की सारा भाव ला दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान साजे, ओम जय शिव ओंकारा। चार भुज हैं भगवान विष्णु के, दो भुज हैं ब्रह्मा जी के, 10 भुज हैं भगवान के, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, ओ शिव 10 भुज अति सोए, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। पीतांबर पहनते भगवान विष्णु, बागंबर पहनते भगवान शिव, श्वेतांबर पहनते ब्रह्मा जी, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर, ओ शिव बागंबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओ जय शिव ओंकारा अक्ष माला वन माला मुंड माला धारी हो शिव शिवजी मुंड माला में अक्ष माला पहनी है भगवान श्री विष्णु ने वन माला चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा। भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल भगवान विष्णु ने चक्र त्रिशूल धारी ने बल तीनों स्वरूप एक की आरती जय हो। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। निर्गुण स्वरूप की आरती जो कोई जर गावे ओ स्वामी जो कोई जर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित पल ओम जय शिव ओंकारा। बोलो श्री एकलिंग नाथ की जय हर हर महादेव शंभो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्यारे भक्तों, आपके अपार स्नेह से ये कथा अपने अंतिम सोपान पर पहुंची है। मेरी ऐसी कामना है कि आपके जीवन में ऐसी ही धारा प्रवाह कथाएं आती रहें, आपकी सारी जिज्ञासाओं को मैं शांत करता रहूं। आपकी टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे फोन नंबर हैं, जिन जी लोगों ने समाधान चाहा था मैंने किया था। प्यारे भक्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, कभी घबराना नहीं चाहिए, सुख में अभिमान नहीं करना चाहिए, दुख में कभी ना घबराएं। समय परिवर्तन होता है, एक दिन एक महीना एक साल दो वर्ष में परिवर्तन हो जाता है, धैर्य धारण करें। इस कथा के माध्यम से मैं युवा वर्ग को कहना चाहूंगा कि संगति के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, संगति अच्छी करें, लिहाज में न रहें, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें, कान के कच्चे न बने, कि हो सकता है कि जो अच्छे लोग दिखते हैं वो इतने अच्छे नहीं हो जो जितना हम समझते हैं, तो जिनको बुरा मानते हैं हम, हो सकता है कि वह इतने बुरे भी नहीं हो। प्यारे भक्तों, बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत किया मैंने,
कहीं भी कथा सत्संग होगी आपको जरूर सूचना दी जाएगी। टीवी और मोबाइल पर मेरे नंबर हैं, अब उस नंबर पर अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस सत्संग में इस 30 दिन में बहुत सारे प्रश्न उत्तर के रूप में मैंने यहां पर सभी के जिज्ञासा को शांत किया। मेरे देश विदेश तक प्रश्न आ रहे थे। एक बहन जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था कि महाराज जी इस मामले में मेरा मार्गदर्शन करें, अभी समय की कमी है। उन्होंने क्रोध के बारे में पूछा था। समय की कमी की वजह से मैं अभी केवल इतना ही कह पाऊंगा कि प्यारे भक्तों, जब भी क्रोध आए तब एक क्षण रुककर यह सोच लेना कि इस क्रोध के बाद मैं स्वयं को सामान्य करने में, अपने परिवार जो प्रभावित हुए उसको सामान्य करने में और पुनः खुशियां लाने में मुझे वक्त लगेगा, तो मैं क्रोध क्यों करूं। इस विषय पे बहन जी से प्रार्थना है कि आगामी सत्संग में मैं अवश्य इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। युवा वर्ग से कहना चाहूंगा कि यह समय बदल गया है, ये नेट का जमाना है। सभी युवा वर्ग अपने अध्ययन पर ध्यान दें, इस इंटरनेट को थोड़ा संभल कर प्रयोग करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी भूल की वजह से आपकी आंखें और समय इतना व्यर्थ हो जाए कि जब आप अपनी गृहस्थी में कदम रखें तो अपनी आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को भी ठीक से नहीं निभा पाए। सपनों की दुनिया से निकल के प्यारे भक्तों, युवाओं हकीकत की दुनिया में आ जाओ। जैसे जल में तिनके बहते हैं वैसे जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज मैं हूं, कल जिंदा रहूं ना रहूं, किसी के मिलन और बिछोह हो जाना तो इस संसार का नियम है। मैं 30 दिन कथा सुनने वाले सभी बुजुर्गों से चरण वंदन कर कहता हूं कि यदि मुझसे कोई गलती हुई, आप मेरी किसी बात से किसी की संवेदनाओं को आघात पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे सभी कलाकार साथियों जो 30 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत अभिवंदन है। यहां पर जहां पर कथा हो रही थी वहां पर इतने बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। क्षमा प्रार्थी हैं कि जिनको हम यहां पर बुला नहीं सके, करीब 2-3 लाख से भी अधिक लोगों ने इस कथा को सुना है टीवी के माध्यम से। मैं उदयपुर न्यूज चैनल को बहुत कोटि कोटि वंदन कर कहना चाहता हूं कि आप धन्य हैं। सभी का पुण्य का अंश आपके उदयपुर न्यूज चैनल को अवश्य मिलेगा। प्यारे भक्तों, मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या, मेवाड़ राजवंशी कथावाचक, अपने परम गुरुदेव स्वर्गीय ललितेश्वर जी के पावन चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद पवित्र सर्व क्षमिताम प्रसिद्ध परमेश्वर। हे परमात्मा, मुझसे यदि किसी मंत्र में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा। भूले तेरे चरणों की, भूले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। बोले ना दीदी, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूं मेरी तकदीर संभल जाए। जय होंगे सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए।
ओ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भोले तकदीर भोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। भोले मेरे जीवन की भोलेना बस एक तमन्ना है। भोले मेरे जीवन की बस सामने हो मेरे। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। मेरा दम ही निकल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर।